हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। भाई लोग, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिर्फ 4 मिनट के अंदर में आपका जो है फोरआर्म्स तगड़ा करने का तरीका क्या होता है। भाई घर पे मेरे बहुत भाई का ये चीज होता है, क्वेरी होता है कि भाई फोरआर्म्स कैसे तगड़ा करें, फोरआर्म्स कैसे बनाए। तो आज आपका भाई बता रहा है कि फोरआर्म्स बनाने का तरीका सीख लो, घर पे ट्राई करो और 1 महीने में फिर रिजल्ट देखो किस तरीके का होता है आपका कलाई। कितना देख लो आप लोग, आपके सामने प्रूफ है कि क्या कुछ आपके कलाई पे फर्क पड़ेगा ये अगर वर्कआउट रूटीन फॉलो करोगे तो, जो आपका भाई अभी बता रहा है। ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट का टाइम लूंगा आपका और परफेक्ट आपको एक्सरसाइज बता के दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अपने फोरआर्म्स को आप बेहतर बना सकते हो भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप इस तरीके से हाथ को रख लोगे यहाँ पे, ठीक है, कमर को ऊपर कर लोगे और जैसे कि ये लगाते हो आप शोल्डर के लिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर सारा का सारा जो फोकस होगा हमारे फोरआर्म्स के लिए होगा। क्या करना है आपको, ग्रिप को यहाँ पे रखना है, कमर को ऊपर उठाना है, फिर ऑल द वे डाउन, बस हाफ हाफ लेके आपको 20 बार लगाने, जिससे कि बस आपका फोरआर्म्स एंगेज हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर आप पूरा जाते हो नीचे से पूरा शोल्डर एंगेज होता है, हाफ हाफ लेके चलो भाई, बहुत बेहतर पंप मिलेगा। पहला नंबर एक्सरसाइज, मैं खुद इंप्लीमेंट करता रहता हूं कि किससे क्या जुगाड़ मिलता है, कौन से एक्सरसाइज से जल्दी रिजल्ट मिलता है, वो आप लोगों के सामने लेके आता हूं। डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट वेरिएशन, जिससे कि आपको रिजल्ट मिलता है। पहला ये ट्राई करो। इसके बाद आपको क्या करना है, रेस्ट नहीं लेना है। रेस्ट नहीं लेने के बाद आपको लगाना है रिवर्स कर्न। ईंट को सीधा उल्टा पकड़ो और ये लगाओ, उल्टा पकड़ के ये 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पहला क्या, हाथ को यहां पे, कमर को थोड़ा सा ऊपर और बस इस तरीके से हाफ हाफ लगाना है आपको। इसको लगाओ 20 बार, 25 बार, 30 बार, फिर ईंट को सामने रखो और उल्टा करके रिवर्स, ये इस तरीके से लगाओगे 10 बार, ठीक है। ये दो एक्सरसाइज। इस दो एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा पुशअप्स। नॉर्मल जो हमारा होता है, नॉर्मल पुशअप्स का ग्रिप रखेंगे, सर सामने रखेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लाके अप, नीचे लाके अप, इसमें भी हाफ रखना है आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज नंबर थर्ड। इसमें आपको नॉर्मल पुशअप्स करना है, शोल्डर से थोड़ा क्लोज ही रखोगे जिससे कि आपका ये फोरआर्म एंगेज हो जाएगा। इसके बाद ईंट को रखोगे सामने और ऊपर की तरफ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला एक्सरसाइज। क्या था ये, हाफ। दूसरा एक्सरसाइज रिवर्स, तीसरा सिंपल पुशअप्स में हाफ, चौथा नंबर एक्सरसाइज हमारा ये हो गया अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है बस। पांचवा नंबर एक्सरसाइज, ईट को रखोगे क्लोज यहां पे, हाथ रखोगे सामने और ऑल द वे अप, 1, 2, 3। पूरा नहीं लेके जाना है ऊपर ना, पूरा आपको नीचे जाना है। पूरा ऊपर नीचे करोगे तो आपका चेस्ट इंगेज हो जाएगा, आपका शोल्डर इंगेज हो जाएगा। यहां पे हाथ रखो, ठीक है, हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से 15, 20, 25 बार लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, ईंट को कुछ नहीं बाहर की तरफ खोलना है आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, ठीक है। इस सारे एक्सरसाइज को मिक्स करो, रिपीटेशंस 25 से 30 करके आपको लगाना है, आपका फोरआर्म्स बहुत ही तगड़ा होके आएगा, ठीक है। ये सारा एक्सरसाइज आपको टारगेट कर सकते हो आप अपने फोरआर्म्स मसल को बिना किसी इक्विपमेंट के यूज के, घर पे कोई छोटा सा कोना में इस सारा एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो और रिजल्ट फोरआर्म्स पे निकाल सकते हो। आपके सामने है क्या कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, आपको खुद दिख जाएगा। ट्राई करो 1 महीने के लिए, आपको खुद फर्क दिखेगा। खत्म कैसे करना एक्सरसाइज को, इसको ईंट को पकड़ो यहाँ पे, अंदर की तरफ ट्विस्ट करो और जोर लगा के होल्ड करो, यहाँ पे होल्ड करोगे, फिर अंगूठे को ऊपर रखो और फिर ट्विस्ट करो, फिर आपको जोर पता चलेगा फोरआर्म्स पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे होल्ड करो, थक जाओगे नीचे रखो, वापस से उल्ट इस तरह रिवर्स करो और यहाँ पे जोर लगा के होल्ड करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
बस फोर्ड हाउस बनाना है। कितने मिनट का ये वीडियो हुआ? 5 मिनट का वीडियो हुआ। बोला था मैं आपको 4 से 5 मिनट का एक्सरसाइज होने वाला है, करो 4 बार एक्सरसाइज को, सारे को रिपीट करो, रिपीटेशन 25 से 30 रखो, आपका फोरआर्म्स बेहतर तरीके से बन के आएगा। और भी कुछ ना समझ में आए तो भाई को इंस्टा में फॉलो करो, गौरव जब इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम में उधर आके बात करो, मैसेज करो, कॉल करो, वीडियो कॉल करो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, मिलते हैं, ठीक है भाई।